मध्य प्रदेश के झकनावदा की पेटलावत तहसील के विधायक वालसी मेणा के नेतृत्व में 3 अगस्त शनिवार को श्रृंगेश्वर महादेव तीर्थ से देवगिरी के लिए कावड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। सावन के महीने में रिमझिम बारिश के बीच पेटलावत विधायक के नेतृत्व में श्रृंगेश्वर से देवगिरी के लिए कावड़ यात्रा रवाना हुई। आपको बता दें कि पेटलावत विधानसभा से वालसिंह मेड़ा के नेतृत्व में करीब 500 कांवड़ियों ने एकजुट होकर यात्रा का श्री गणेश किया। यात्रा की शुरुआत में विधायक वालसिंह मेड़ा ने श्रृंगेश्वर में विराजित बाबा महाकाल का माही नदी के पवित्र जल से जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता, श्रद्धालु और पेटलावत जनपद CEO NS चौहान, SDM ML मालवीय, तहसीलदार भूपेंद्र भिड़े सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। साथ ही कावड़ यात्रा श्रृंगेश्वर से झकनावदा पहुंची, जहां सभी समाज सेवियों ने एकत्रित होकर कावड़ियों का पुष्प मालाओं से स्वागत कर स्वल्प आहार करवाया। झकनावदा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। दरबार में गुरु जी के शरणों में माँ मैया के आंगन में माँ का पानी, माँ का जल लेके हम आज शिव जी का अभिषेक कर गुरुदेव के साथ कावड़ी यात्रा मैंने इस साल ही शुरू करी है और मैं कई सालों से देवझरी में अभिषेक करता हूं और मैं वहां भंडारा करता हूं तीसरा सोमवार, और आज 3 तारीख है। 3 तारीख शनिवार के दिन शनि महाराज का आशीर्वाद शिव के पूरे हजारों हजारों करोड़ देवता की शक्ति के साथ में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कावड़ी यात्रा यहाँ से मालिक के दरबार में से मालिक की शक्तियाँ, माँ सरस्वती की शक्तियाँ आगे चलेगी और इनके पीछे हमारे कावड़ी चलेगा। यहाँ से हम एक घंटा दो घंटे बाद में यहाँ से निकलेंगे। झकनावदा होते हुए शिमला, टोडी होते हुए अमरकोट होते हुए झिरी में हमारा शाम को वहाँ रुकना है। वहां से कल 4 तारीख को रवाना होंगे आंबा, सदावा, बिया डाबर, झेणिया, रामा होते हुए कालदेवी होते हुए सापरी में रात की विश्राम है। फिर वहां से चलेंगे सुबह 5 तारीख को मां नर्मदे शिव की शक्ति में 3 बजे आरती है। वहां पे हमारे हमेशा हर साल जो भक्त आते हैं और वहाँ शिव का आरती में शामिल होते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, वहाँ पे हमारी कांवड़ यात्रा भी समाप्त होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जिला झाबा के, मेरे विधानसभा पेटलावत के आम जनता, आम हमारे गरीब भगत सब का सहयोग, मार्गदर्शन अच्छे रहे, मंगलमय रहो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूं। अंदर देवता भी आज हम यहाँ आए बरस रहे हैं। हमारे मेरे विधानसभा के सभी किसानों की फसल अच्छी रहे और ये हमारी यात्रा सफलता के साथ आगे बढ़ती रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।